नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube एजुकेशनल चैनल आर्ट गुरु में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर कलर के बारे में आपको जानकारी देंगे। रंगों की उत्पत्ति, वैज्ञानिकों का मत है कि रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार रंग दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक मुख्य रंग, नंबर दो द्वितीय रंग। मुख्य रंग लाल, पीला और नीला। मुख्य रंग किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। द्वितीयक रंग मुख्य रंगों के मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं, नारंगी, बैंगनी, हरा। पहले छह रंग ही आदर्श रंग माने जाते थे। ये छह रंग में देखिए आपका ये प्राथमिक रंग पीला, लाल, नीला, और प्राथमिक रंग के पीला और लाल मिलाने से नारंगी, और लाल नीला मिलाने से बैंगनी, और नीला हरा, नीला और पीला मिलाने से हरा बनता। वैज्ञानिकों के अनुसार ये छह रंग आदर्श रंग माने जाते थे, परंतु वर्तमान युग में प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर मुख्य रंग पीला, लाल, नीला, हरा और द्वितीयक रंग नारंगी, बैंगनी, आसमानी और धनी है। देखिए दोस्तों, ओस्टवाल के चक्र में आठ प्रमुख आदर्श रंग, ये ओस्टवाल का चक्र है। इसमें पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी प्राथमिक, नीला, आसमानी, हरा और धनी द्वितीयक, ये ओस्टवाल के आठ चक्र में आठ रंग है। दोस्तों, प्रकाश की किरणों के तीन पक्ष, प्रकाश, वर्ण, ऊष्मा, इसलिए वर्ण प्रकाश का एक गुण है। वर्ण दिखाई देने या उद्दीपक का आकार प्रकाश करता है। कुछ लोगों को कुत्ते तथा बैल की भांति कोई भी वर्ण दिखाई नहीं देता, एवं कुछ लोगों को मधुमक्खी की भांति केवल पीले तथा नीले वर्ण ही दिखाई देते हैं। ध्वनि की भांति वर्ण भी कंपनों से उत्पन्न होता है। प्रकाश की एक किरण को त्रितल के माध्यम से वर्णपट पर डाले तो एक छोर पर दिखाई देने वाला लाल वर्ण सबसे कम कंपनयुक्त होता है और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। वर्णपट पर दूसरी छोर पर मिलने वाला बैंगनी सबसे कम तरंग लंबाई वाला सबसे अधिक कंपनयुक्त होता है। इसको याद करने के लिए इस प्रकार देखें, लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक, कंपन सबसे कम, बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम, कंपन सबसे अधिक होता है, करेक्ट। फिर से देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट भी है, लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक, लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक, कंपन सबसे कम, बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम, कंपन सबसे अधिक होता है। वर्णों के गुण, नंबर एक रंगत, बल, घनत्व या सघनता। वर्णों के बल को सफेद या काले, वर्णों के बल को सफेद या काला मिलाकर घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना उसमें घनत्व होगा। अधिक घनत्व से वर्णों में चमक आ जाती है। मिश्रित वर्णों में कम घनत्व होता है। रंगों में गहरे तथा हल्के बलों की जो मात्रा होती है वह तान कहलाती है। तान के तीन मुख्य भेद हैं, प्रकाश मध्यम, प्रकाश तथा अंधकार। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है देखिए, जल रंग का मुख्य गुण आ जाता है। जल रंग का मुख्य गुण पारदर्शिता, तेल रंग का मुख्य गुण अपारदर्शिता। तटस्थ रंग काला व सफेद है। काले व सफेद रंग के मिश्रण से ग्रे रंग बनता है।
यदि किसी चित्र में केवल सफेद और काले रंग की योजना हो तो वह चित्र वर्णहीन कहा जाएगा। दोस्तों, रंगों के लिए यह कहा जाता है कि पीले रंग की उत्पत्ति पृथ्वी से, लाल रंग की उत्पत्ति सूर्य से, नीले रंग की उत्पत्ति आसमान से। स्त्रियों को लाल, पुरुषों को नीला रंग पसंद होते हैं। दोस्तों, देखिए कौन सा रंग ठंडा है और कौन सा गर्म है। ओस्टवाल के चक्र में ये आधे से डिवाइड, प्राथमिक इनके जो पीला, नारंगी, लाल, बैगनी हैं, ओस्टवाल के चक्र के दाहिनी तरफ गर्म रंग और ओस्टवाल के बाईं तरफ ठंडा में नीला, आसमानी, हरा और बैगनी, धानी। दोस्तों, विरोधी रंग देख लीजिए। ओस्टवाल के चक्र में आमने सामने के रंग विरोधी होते हैं। पीला का विरोधी नीला, नारंगी का विरोधी आसमानी, लाल का विरोधी हरा और बैगनी का विरोधी धानी है। दोस्तों, इन 8 रंगों से 12 रंग भी बनाए जा सकते हैं। देखिए, ये है आपका पीला, लाल और नीला। अब ये देखिए, नारंगी, हरा और बैगनी। अब देखिए, इसमें पीला और नारंगी को जब मिलाएंगे तब पीला नारंगी बनेगा, और नारंगी लाल को मिलाएंगे तो लाल और नारंगी बनेगा। दोस्तों, फिर लाल और बैगनी को मिलाएंगे तो आपका ये लाल बैगनी बनेगा, और जब बैगनी और नीला को मिलाएंगे तो बैगनी नीला बनेगा, और जब नीला और हरा को मिलाएंगे तो इसमें नीला हरा बनेगा, और जब हरा और पीला को मिलाएंगे तो इसमें हरी पीला बनेगा। दोस्तों, प्रमुख रंगों की विशेषता एवं प्रभाव, अब इसको देखेंगे कि रंगों की क्या विशेषता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। पीला, यह रंग सूर्य प्रकाश दिव्यता का प्रतीक है। लाल, सर्वाधिक उत्तेजक एवं आकर्षक होता है, स्त्रियों में लोकप्रिय है। वासना, उत्तेजना, क्रोध, साहस, वीरता का प्रतीक है। नीला, शांत, मधुर, ईमानदारी, आशा, लगन का प्रतीक है। हरा, यह रंग सामान्यतः ताजगी, कच्चापन, यौवन, ईसाई धर्म में आशा, अमरत्व के प्रतीक के रूपों में भी प्रयुक्त हुआ है। बैगनी, यह रंग राजसी है। श्वेत, स्वच्छता, पवित्रता, अबोधन, सत्य का प्रतीक है। यह रंग चीन में शोक का प्रतीक है। झंडे में शांत, ईसाइयों में नववधु का परिधान उज्ज्वलता एवं उल्लास को प्रकट करता है। काला, यह प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, गंभीर को प्रकट करता है। यह रंग दुख, मृत्यु, भय, पाप, निराशा, आतंक व गोपनीयता का प्रतीक है। दोस्तों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।